खबरों की नई पहचान। कोयलांचल धनबाद के गोविंदपुर प्रखंड में मनरेगा में जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है, जिसके चलते पूरे जिले में सिर्फ गोविंदपुर प्रखंड में अब तक जिले की सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। बीते सोमवार को ही झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिरुद्ध पांडे के साथ साथ पंचायत सेवक को भी निलंबित कर दिया गया था। एक मुखिया का वित्तीय अधिकार वापस लेने का अनुमोदन किया गया था, वह आज कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष को बर्खास्त कर दिया गया है और एक मुखिया का वित्तीय अधिकार वापस लेने का अनुमोदन किया गया है। क्या कुछ कर रहे हैं आप? देखिए, प्रेस वार्ता करने के पीछे जो है आज एक बहुत बड़ी बात है कि झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ का पिछले 27 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही थी और उस हड़ताल के दरमियान में हम लोग पूरे राज्य भर के मनरेगा कर्मी जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे, जिसके तहत मैं धनबाद जिला अध्यक्ष मुकेश राम भी राज के आह्वान के आधार पर धनबाद में भी हमने स्ट्राइक किया। विगत ज्ञात हो कि 1.5-2 माह पहले मेरे पंचायत गोविंदपुर प्रखंड के बड़ा पिछड़ी पंचायत में एक योजना ऋषि चौधरी का डोभा थी, उस डोभा में मुखिया के विरोधियों के द्वारा साजिश के तहत जो है एक साधारण मोबाइल कैमरा से फोटो खींच ली जाती है और उसे वायरल करते हुए सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए जिला स्तर तक भेजा जाता है फोटो को। उक्त फोटो में ना तो कहीं पर जेसीबी का नंबर दिखाई पड़ रही है और ना ही उक्त जेसीबी मनरेगा के कर्मियों द्वारा लगाया गया है।